अच्छा तो बेटा आप जहां पे भी कंफ्यूजन हो मुझे बता दीजिएगा, ताकि फिर मैं वहीं से टॉपिक को आपको क्या कर दूं, एक्सप्लेन कर। अच्छा जो पेपर बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये बेटा पेपर है हमारा 2023, सही है, मई जून 2023, पेपर 2-1। ठीक है जी, आपका पेपर 2-2 आता है, लेकिन अभी हम डिस्कस करेंगे पेपर 2-1, सही है। अच्छा बेटा इसके अंदर इन्होंने क्या बात की, इन्होंने कहा है कि 4 डिस्क्रिप्शन स्टेजेस हैं प्रोग्राम को डेवलप करने के। सही है, कह रहा है कि ड्रॉ 1 लाइन टू लिंक ईच डिस्क्रिप्शन टू इट्स मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। यानी कि प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, और हमने उसको करना क्या है सर, हमने उसको जो है वो सिलेक्ट करके बताना है कि कौन से वाले जो है वो प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल किसको बिलोंग करता है। तो डेफिनेशन बेटा हमने यहाँ पर क्या करनी होगी, पढ़नी होगी, ताकि डेफिनेशन पढ़ के हम उसे क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके। अब देखिए बेटा इस बात के अंदर क्या कह रहा है ये, इसके अंदर ये कहना चाह रहा है, इसके अंदर ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास डिस्क्रिप्शन इन्होंने दी हुई है, जैसे ये ए है, फिर बी सी और ये डी, सही है। और एक तरफ बेटा हमारे पास दिया हुआ है, इसको मैं कर देता हूँ 1 2 3 करके, सही है। अच्छा अब जरा जल्दी से जो है वो डिस्कस करते हैं बेटा। देखिए पहले मैं क्या कह रहा है, डेवलप्ड एन एल्गोरिथम टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय यूजिंग द स्ट्रक्चर डायग्राम, फ्लो चार्ट एंड और सूडो कोड। बेटा आप लोगों को याद है मैंने बताया था कि एक चीज होती है एनालिसिस, एक होता है कोडिंग, एक होता है टेस्टिंग, एक होता है मेंटेनेंस, ठीक है। तो ये 5 चीजें होती हैं जो प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स के अंदर आती हैं, सही है। ये उसी की तरफ जो है ना वो इशारा दे रहा है। तो ये बेटा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सर, सर ये डिजाइन नहीं हो जाएगा ठीक है, ये कौन मई जून 2023, सही है बेटा। फिर आगे चले, कह रहे डिटेक्ट एंड फिक्स द एरर्स इन द प्रोग्राम। अच्छा बेटा सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है डिटेक्ट एंड फिक्स द एरर इन द प्रोग्राम, तो बेटा टेस्टिंग नहीं कहलाएगा ये। फिर उसके बाद कह रहा है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड इट्स रिक्वायरमेंट, तो प्रॉब्लम को बेटा आइडेंटिफाई करना और उसकी रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करना, ये किसके अंदर आ जाएगा बेटा, एनालिसिस के अंदर आ जाएगा। ठीक हो गई बेटा बात। फिर लास्ट वाला क्या कह रहा है, लास्ट वाला कह रहा है कि राइट एंड इम्प्लीमेंट द इंफ्रास्ट्रक्चर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो ये बेटा क्या हो गया, कोडिंग हो गया। समझ आ गई बेटा मेरी बात, तो ये आपका 4 पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर बेटा क्या कह रहा है, फिर ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई 3 ऑफ द कंपोनेंट पार्ट्स आफ्टर आ प्रॉब्लम हैज बीन डिकम्पोज, जब बेटा प्रॉब्लम डिकम्पोज होती है, सही है। यानी कि प्रॉब्लम क्या करते हैं, यानी कि पहले जब हमारे पास प्रॉब्लम आती है और उसको हम डिकम्पोज करते हैं, तो उसके अंदर 4 चीजें आ जाती है, एक होता है बेटा इनपुट, एक होता है प्रोसेस, एक होता है आउटपुट और एक होता है स्टोरेज, सही है। तो 3 कॉम्पोनेंट्स होते हैं। तो इन्होंने सिर्फ उसके क्या पूछे, नाम पूछे हैं। तो आप यहाँ पे बता दीजिएगा कि हमारे पास बेटा जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो एक चीज होती है बेटा इनपुट, चलिए मैं दिखा देगा आपको। ठीक है जी, जल्दी कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। एक होता है बेटा इनपुट, एक होता है बेटा हमारे पास प्रोसेसेस, और एक बेटा हमारे पास क्या होता है, आउटपुट्स। एक और होता है जिसे हम बेटा क्या नाम दे रहे थे, स्टोरेज का नाम दे रहे थे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो बेटा ये चीजें जो है वो आपको बड़ा क्लियरली पता होना चाहिए। अच्छा अब इसके अंदर देखें, ये चैप्टर, ये जो इन्होंने दोनों सवाल अभी शुरू के दिए हैं ना, ये दोनों क्वेश्चन बेटा कहाँ के हैं, ये है चैप्टर नंबर 7 के, सही है, चैप्टर नंबर 7 के हैं, जिसका नाम है एल्गोरिथम डिजाइन। और इसके क्वेश्चन बेटा आते हैं, जिसकी जो है वो आपने थ्योरी जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड करके रखनी है, ताकि आप उसे क्या कर सको, आंसर कर सको। क्वेश्चन कौन सा, दिखाई वाली अभी है इसकी फ्लो कार्ड से वगैरह की वीडियो है ना है ठीक हो गई बेटा बात। चले जी नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मूव करते हैं।
बेटा यहां तक जब बात हो गई है तो आगे हमारे पास पॉइंट ये है कि इन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू के अंदर क्या रहा है कि टिक वन बॉक्स टू शो द नेम ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर अ कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ द सेम डेटा टाइप। क्या बात कह रहा है बेटा ये कि एक बॉक्स को टिक कर दें, शामिर बेटा ये एनोटेट नहीं करो, कह रहा बेटा टिक करे वन बॉक्स जो क्या करेगा नेम शो करेगा उस डेटा स्ट्रक्चर का जो कि क्या होता है बेटा एक कलेक्शन होता है डेटा का लेकिन वो सेम डेटा टाइप का होता है। तो ये एरे नहीं पढ़ाया था मैंने आपको, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, ठीक है। तो बेटा आप यहाँ पे किसको टिक करेंगे, सिमिलर डेटा टाइप को जो है वो टिक कर लेंगे जो कि एरे है, सही है सर। कॉन्स्टेंट फंक्शन वेरिएबल्स अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट पार्ट पर आ जाए सर, बेटा क्या कह रहा है, कह रहा है डिस्क्राइब व्हाट इज मीन बाय डेटा वैलिडेशन। बेटा एक तो इसके अंदर आप क्या लिख दोगे, आप ये लिख दोगे कि ये जो होता है ये बेसिकली मैंने आपको बताया था कि ये एक ऑटोमेटिक चेक होता है जो कि चेक क्या कर रहा होता है, ये चेक कर रहा होता है या ये मेक श्योर कर रहा होता है कि डेटा इज सेंसेबल रीजनेबल बिफोर इट इज एक्सेप्टेड इन टू द सिस्टम, ठीक है। तो एक पॉइंट तो आप इसके अंदर ये बता सकते हैं कि वैलिडेशन इज अ चेक, वैलिडेशन इज एन ऑटोमेटेड चेक ये बेटा ऑटोमेटेड होता है, एक तरह का क्या होता है चेक होता है बाय अ कंप्यूटर, सही है। और बेसिकली इसमें हम करते क्या है बेटा, टू मेक श्योर डेटा इज कपड़ा सिक्स तीन मान कर कल से, टू मेक श्योर डेटा इज रीजनेबल सेंसेबल ठीक बिफोर इट इज एक्सेप्टेड इन टू द सिस्टम, सही है। है। बेटा एक वैलिडेशन होता है और एक वेरिफिकेशन होता है। नाउ नेक्स्ट मूव, अब बेटा इन्होंने क्वेश्चन दिया है, देखें यहां पर आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को बताया था टाइप ऑफ टेस्ट डेटा, टाइप ऑफ टेस्ट डेटा तीन तरह के बताए थे, नॉर्मल एबनॉर्मल और साथ साथ मैंने आपको बताया था एक्सट्रीम्स और बाउंड्री, चार बताए थे मैंने आपको, सही है। नॉर्मल डेटा क्या होता है जो विद इन अ रेंज हो, जैसे इन्होंने पूछा है नॉर्मल टेस्ट डेटा, और साथ साथ देखिए क्वेश्चन को पढ़ना सीखें, क्वेश्चन के अंदर उसने क्या बात की, उसने कहा है कि गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द टाइप ऑफ टेस्ट डेटा टू चेक दैट द वैलिडेशन चेक इज वर्किंग एज इंटेंडेड, ईच एग्जाम्पल ऑफ टेस्ट डेटा मस्ट बी डिफरेंट, यानी यह टेस्ट डेटा आपने देना है नॉर्मल देना है फिर एबनॉर्मल देना है और फिर उसके बाद जो है वो एक्सट्रीम देना है, तीन चीजें इन्होंने पूछी हैं और रीजन अच्छा विद इन रेंज है। तो रेंज क्या है सर, 30 से लेकर 200 इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का मतलब ये है कि हमारे पास ये 30 के अंदर 20 से छोटा, सही है। तो यहाँ पर आप लिखते हैं लेट सपोज 100, सो डेटा इज विद इन रेंज एंड एक्सेप्टेड बाय द सिस्टम एंड शुड बी एक्सेप्टेड। अब इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, डेटा इज विद इन रेंज एंड शुड बी एक्सेप्टेड, सही है बेटा। एबनॉर्मल क्या होगा, एबनॉर्मल आप दे दें -20 तो ये एक्सेप्टेड नहीं होना चाहिए, इसके बारे में आप लिखेंगे कि डेटा सर वो कोई भी हो सकता है, देयर आर मल्टीपल थिंग्स, मैं कोई इंग्लिश लेटर भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर 10 लिख दूँ ये भी इनवैलिड हो गया, सर
एरर हो जाएगा, हाँ हाँ ये कंसीडर हो जाएगा, और ये भी लिख सकते हैं -20। कुछ भी लिखेंगे तो एक सौ होगा सिर्फ। यस डेटा इज आउट ऑफ रेंज एंड शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। सही है बेटा, पॉइंट क्लियर हो रहा है मेरा। फिर इसी तरीके से बेटा एक्सट्रीम डाटा पर आ जाए। एक्सट्रीम डाटा क्या होगा, 200 कहलाएगा या 30 कहलाएगा, दोनों एक्सट्रीम कहलाएंगे। मतलब वही वाला फिगर हाँ जी, तो आप अगर 200 दे रहे हो तो आप लिखोगे हाईएस्ट वैल्यू एंड शुड बी एक्सेप्टेड बाय द सिस्टम। हाईएस्ट वैल्यू एंड शुड बी एक्सेप्टेड बाय द सिस्टम। सर, अगर ये तो हम लोग ये लेते हैं वो, हाँ स्मॉलेस्ट वैल्यू शुड बी एक्सेप्टेड। यस डेफिनेटली, ठीक है बेटा। यहां तक बेटा बात क्लियर हो जाती है सबको? ऑनलाइन वाले बच्चे जरा मुझे बता दें कोई मसले मसाइल। वैसे तो अभी आसान आसान सवाल है, लेकिन ये कि मैं चाह रहा हूँ कि पूरा एक ईयरली जो है वो, बल्कि 2 ईयरली हमारे हो जाएं क्लास में ही, ताकि आप लोगों को जो है वो कोई मसले मसाइल नहीं हो। चले गुड है बेटा। अच्छा अब बेटा कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आप लोगों को मैं पढ़ाते हुए भी एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे इन्होंने एग्जांपल दी है, कह रहे हैं एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ लाइब्रेरी रूटीन डिव एंड राउंड। अच्छा राउंड हमने डिस्कस नहीं किया है तो अभी डिस्कस कर लेते हैं। डिव डिव और मॉड किया था, डिव में चले अभी दोबारा से बता देता हूँ। डिव करता क्या बेटा, ये डिविजन परफॉर्म करता है, रिमाइंडर नहीं देता, आंसर देता है लेकिन होल नंबर में देता है। सही है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि लेसे लेट सपोज मेरे पास एक डिवीजन होता है कि 3 डिवाइडेड बाय 2, और एक डिवीजन होता है बेटा 3 div 2, दोनों का फर्क क्या है बेटा? 3 डिवाइडेड बाय 2 का आंसर आएगा आपके पास, जीरो सर रिमाइंडर भी आएगा। अच्छा आएगा ना उसके अंदर, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बेटा 2 1 2 आएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा, 1, फिर पॉइंट लगेगा, फिर 0 बढ़ जाएगा, फिर 2 5 10। तो जब डिवीजन कर रहे हैं तो 1.5 आंसर आ रहा होगा, सिंपल डिवीजन जो होता है। जब डिफ कर रहे हैं तो बेटा 1 आंसर आ रहा होगा। समझ आ रही है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? डिव भी डिवाइड करता है, लेकिन फर्क बेटा ये होता है कि वो आंसर रिमाइंडर, सॉरी वो आंसर जो है वो आपको पॉइंट में नहीं देता, होल नंबर में देता है। डायरेक्ट आंसर मिलता है, रिमाइंडर नहीं पूछता हाँ रिमाइंडर, अगर ना रिमाइंडर में वो जाता ही नहीं, उसको छोड़ देता, उसको। डायरेक्ट आंसर दे देता है। डायरेक्ट आंसर तो रिमाइंडर देता है। मॉड जो होता है वो रिमाइंडर देता है। सही है, चले तो इसका आप लिखेंगे टू परफॉर्म डिवीजन इन इंटीजर। सही है बेटा। एक बात ये, क्योंकि 4 नंबर का सवाल है भाई, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स तो देने। एग्जाम्पल इन्होंने बोला है, एग्जाम्पल तो इन्होंने नहीं बोला। आप एक पॉइंट ये लिख सकते हो टू परफॉर्म डिवीजन इन इंटीजर, फिर एक ये लिख सकते हो कि आंसर विल बी इन इंटीजर फॉर्मेट, या होल नंबर आंसर विल बी इन होल नंबर आफ्टर डिव ऑपरेशन। तो आफ्टर डिवीजन डेवलपमेंट या आफ्टर डिव ऑपरेशंस। सही है बेटा। अब इसका आंसर आप क्या लिखना चाह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल दे दें डिव 3 कॉमा 2, तो बेटा यहां पर क्या आएगा, 1 आंसर आएगा।
क्यों आंसर आएगा बेटा वन? क्योंकि बेटा यहाँ पर जब ये डिवाइड करेगा डेप कर क्या रहा है, डेप जो है वो आंसर दे रहा है होल नंबर के अंदर। तो बेटा जब आप थ्री को डिवाइड करेंगे टू के साथ तो टू वन जा टू, रिमाइंडर बचा वो रिमाइंडर ऐसे ही छोड़ देगा, उसको कंसीडर ही नहीं करेगा, बस आंसर ले आएगा तो वन आंसर आ जाएगा। सही है, तो ये पॉइंट नहीं लगाता है। ओके बेटा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। फिर बेटा राउंड के फंक्शन की बात करते हैं। बेटा ये क्या करता है, ये राउंड ऑफ करता है। मिसाल के तौर पे आपके पास वैल्यू आ रही है 9.57, तो क्या हो जाएगा आंसर? नाइन अगर मैं अब इसके अंदर देखें, दो पैरामीटर्स होते हैं राउंड के फंक्शन के अंदर, दो पैरामीटर्स होते हैं पॉइंट कि कितने टाइम राउंड करना है। सही है, अगर एक फंक्शन देखें, चले मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ, इस तरह से इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ, क्योंकि जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उन्होंने भी नहीं पढ़ा है। बेटा देखो राउंड का फंक्शन देखो कैसे काम करता है। बेटा राउंड का फंक्शन इस तरह से काम करता है कि फर्स्ट यू हैव टू राइट राउंड, और उसके बाद बेटा दो वैल्यूज पास होती है, वैल्यू कह दीजिए आप इसे या नंबर कह दीजिए जो आपने पास करना है। सही है, और नंबर ऑफ डिजिट्स कितने राउंड करने हैं आप। सही है, फॉर एग्जाम्पल अब इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। मैंने लिखा राउंड और मैंने लिख दिया 9.56.1, तो बेटा ये कितने डिजिट राउंड करेगा? वन डिजिट राउंड करेगा। तो ये हमारे पास जो आंसर रिटर्न करेगा बेटा वो क्या करेगा? 9.6 9.6 करेगा। सही है, क्योंकि हमने एक डिजिट की बात की थी, तो जब इसे राउंड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 9.6 बन जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर हो रही है बेटा मेरी बात? तो ये पॉइंट आपने राउंड के फंक्शन के साथ अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पर आपके पास क्या दिया हुआ है, कितने नंबर्स आपने राउंड करने, और उसके बाद फिर आपके पास जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो आप यहाँ कंसीडर कर लें। सही है, अगर ये दिया हुआ होता 4.39, ठीक है, तो वन डिजिट तक मूव करना है आपने इसको, तो 4 पॉइंट क्या हो जाता बेटा? 4 हो जाता। सही है। अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये लिखूंगा, एक सवाल है मेरा आप लोगों से, अगर मैं लिखता हूं 4.66, अब मैं वन लगा रहा हूं तो क्या आएगा? 4.7 आ जाएगा। बराबर हाँ, अगर मैं इसको करता हूं टू तो जाएगा। सही है बेटा। तो ये आपके पास राउंड का फंक्शन है बेटा। ऑनलाइन वाले बच्चों को जरा मुझे बताएं, समझ आ गई ये बात कि हमें क्या करना है? ये मेरे ख्याल से केमिस्ट्री में पढ़ते भी हैं आप लोग, ये राउंड का फंक्शन। ये जो है ना, ये डेसिमल प्लेसेस को बता रहा है कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक आपने क्या करना है, शिफ्ट करना है। सही है, और किसको करना है वो आप पहले वाले में बता देंगे। ठीक है बेटा, तो अब इसका जो आप आंसर करेंगे तो आप ये लिखेंगे रिटर्न अ वैल्यू या रिटर्न अ राउंडेड वैल्यू रिटर्न अ राउंडेड वैल्यू टू अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिजिट्स। सही है बेटा, दो एक पॉइंट है ये तो। फिर उसके बाद बेटा आप एग्जांपल दे दें एक। वरना अगर 3 मार्क्स के लिए पूछे तो आप ये भी बता सकते हैं कि द रिजल्ट विल बी
हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू, नेक्स्ट लोएस्ट या हाईएस्ट जो वैल्यू होगी उसको वो राउंड कर लेगा। दो दे सकते हो, कोई मसला नहीं है। डिव भी फंक्शन है, इसको लाइब्रेरी रूटीन कहते हैं। फंक्शन कह लीजिए या लाइब्रेरी रूटीन्स कह लीजिए, मतलब फंक्शन इस सेंस में आप कह रहे हैं कि जो यूजर डिफाइन हमने पढ़े थे, हाँ आप इसे वैल्यू देते हैं, कैलकुलेट करके आपको रिटर्न बैक करता है बेटा। सर, मॉड सिर्फ रिमाइंडर देता है, डिव आपको आंसर देता है होल नंबर में, राउंड क्या करता है आपको वैल्यू राउंडेड करके दे। सही है बेटा, डन हो गई बात यहां तक। चले जी, ये 4 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। अब आ जाइए बेटा ये वाले क्वेश्चंस की तरफ। इसके अंदर इन्होंने क्या बात की है, इसके अंदर इन्होंने बात की है बेटा, एन एल्गोरिथम हैज बीन रिटन इन सूडो कोड टू अलाउ सम नंबर्स टू बी इनपुट। बेटा एक एल्गोरिथम है जो कि हमने लिखा है, किसके अंदर, सूडो कोड के अंदर लिखा है, ताकि हम क्या कर सकें, कुछ नंबर इनपुट कर सकें। ऑल द पॉजिटिव नंबर्स दैट आर टोटल एंड दिस टोटल आउटपुट एट द एंड, यानी जितने भी पॉजिटिव नंबर यूजर एंटर करेगा उसको हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे और उसके बाद क्या कर देंगे बेटा, आउटपुट कर देंगे एंड में। फिर कह रहा है एन इनपुट 0 स्टॉप द एल्गोरिथम, यानी अगर यूजर ने क्या इनपुट किया बेटा सीधा तो एल्गोरिथम को क्या कर दें आप, स्टॉप कर दें। सही है, स्टॉप करने की लॉजिक क्या होगी, वो ये होती है कि आप यहाँ पर व्हाइल के लूप के साथ क्या लगा दें, एडवाइस नॉट का साइन लगा देना, जब तक यूजर जो है वो नेगेटिव नहीं देता। सही है, सॉरी नेगेटिव बोल रहा हूँ, जब तक यूजर 0 नहीं देता, ये वाला जो साइन होता है ना व्हाइल के अंदर बेटा, ये वाला साइन बेटा कहलाता है नॉट इक्वल साइन। ठीक है बेटा, ये वाला साइन क्या कहलाता है, नॉट इक्वल साइन कहलाता है। यहां तक चलें, अब जरा बात को शुरू करते हैं बेटा। अब क्या कह रहा है, एग्जिट वन, मैंने एग्जिट वन इसलिए रखा है क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 0 है, ताकि लूप चल जाए। सही है, अब देखें, मैंने आप लोगों को याद है एरर डिटेक्शन का क्लास में डिस्कस किया था, आपने मेजरली पता है कहाँ से शुरू करना है, लूप की कंडीशंस देखें। सही है, फॉर्मूला देखें टोटल का, काउंट का, सही है, और इफ का चेक देखें, इफ कंडीशन चेक करें। सही है जी, और आउटपुट जो हमें करना है क्या वही आउटपुट आ रहा है नहीं आ रहा, और साथ साथ जो इनपुट हो रहा है क्या वही इनपुट हो रहा है नहीं हो रहा। तो ये 4-5 चीजें बेटा जब भी एरर डिटेक्शन का सवाल आएगा कीप इन माइंड कि आपने यही करना होगा इसको। पहले कहाँ चेक कर लें? सही है, ये सारी चीजें वन बाय वन कोड को चेक कर लें, फिर आपने नीचे बताना है कि भाई ये एरर्स हैं। तो अभी मैं आपके साथ वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूँ, और जहां पे बेटा आपको मसला लगे वो आप भी देख सकते हो कि क्या एरर हो सकते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है बेटा, एक सूडो कोड लिखना है जो क्या करेगा, यूजर इनपुट करेगा नंबर और प्रोग्राम स्टॉप 0 पे होगा, तो ये वाली बात की वजह से पॉइंट वन, लाइन नंबर 1 ठीक है, लाइन नंबर 2 भी ठीक है, लाइन नंबर 3 भी ठीक है, क्योंकि इनपुट हो रहा है नंबर। फिर कह रहा है अगर नंबर 0 से छोटा होगा बेटा तो मैं टोटल में डाल दूंगा, तो क्या हमें नेगेटिव नंबर का सम करना था, जी इसने क्या बोला था पॉजिटिव नंबर का सम करेंगे ना बेटा, तो ये वाली लाइन पे क्या हो गया, एरर हो गया जैसा लाइन नंबर 4। बोलेंगे नहीं, उसने ये भी तो बोला था ना कि जो आप कोड करोगे वो 0 पे स्टॉप हो जाएगा। 0 पे स्टॉप वाली बात तो ठीक है, लेकिन पहले तो ये देखो ना वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हमें सम टोटल किसका करना है, पॉजिटिव का टोटल करना है ना, तो ये कंडीशन जो है वो हमारी क्या हो गई, गलत हो गई, माइनस को हाईलाइट कर दी। यहां ग्रेटर पर क्या होना चाहिए था, नंबर देन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था। वेरी गुड, समझ आ रही है बेटा मेरी बात, यहां पर क्या होना चाहिए था, ग्रेटर होना चाहिए था। ऑलरेडी ऑलरेडी फिर उसके बाद बेटा ये टोटल का फॉर्मूला तो बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है, देन भी ठीक है, ये भी ठीक है, एल्स पर आ जाओ। एल्स पर क्या है सर, एल्स पर ये लग रहा है कि अगर नंबर 0 हो तो एग्जिट को हम क्या करेंगे, 0 करेंगे, एक्सेप्ट यहाँ क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, क्योंकि अगर नंबर, हमें प्रोग्राम रोकना कब है, 0 में 0 पे, तो बेटा जब नंबर 0 आएगा तो एग्जिट को भी हम क्या कर दें, 0 0 कर दें। तो ये वाला कोड भी क्या हो गया बेटा, गलत हो गया है, यानी ये वाली लाइन भी क्या हो गई बेटा, रॉन्ग हो गई है। तो 2 एरर्स निकाल लिए, जी।
फिर उसके बाद बेटा क्या बात बोली इन्होंने, फिर उसके बाद एंड वाइल इसका भी हो गया, एंड वाइल इसका भी हो गया, एंड इफ इसका भी हो गया। अब ये एंड इफ किसका हो रहा है भाई, ये क्या हो गया, ये गलत हो गया, एंड इफ आएगा ही नहीं, कुछ भी नहीं है, ये इनवैलिड वैल्यू है। सही है बेटा, ये फोर एरर्स हो गए, तीन हो गए, थ्री हो गए, सॉरी फोर एरर के लिए क्या बोला था सर, आउटपुट करना है, जीरो क्या आउटपुट करना है बेटा, टोटल, टोटल और साथ साथ क्या बताना है, दिस टोटल इज आउटपुट एट द एंड, ठीक है जी, और टोटल वैल्यूज आउटपुट करनी है। तो बेटा इन्होंने तो नंबर ही प्रिंट कर दिया, हमें ये तो लिखना ही नहीं था, हमें यहाँ क्या लिखना था, वैल्यू टोटल लिखना। हाँ, इसकी जगह पे आएगा बेटा एंड वाइल, सही है। तो बेटा सारी करेक्शंस मैंने बता दी, जी मैंने यह करेक्शन लिख भी देता हूं, ये वाला जो एरो का वहां पे इक्वल टू जीरो है, इक्वल्स का सही है जी। जी बोले क्या हुआ, सर, ये वाला जो एरो का साइन है इक्वल्स का है ना हाँ ये इक्वल्स को ही रिप्रेजेंट कर सर, रहा आप हूं, ये एरर वन बोल रहे हैं तो ये उसमें एरर लिख देंगे और करेक्शन में हम लाइन लिखेंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ ना आपको आंसर, परेशान क्यों रहे हैं यार। बेटा ये फोर लाइंस हो गई, अब देखेंगे किस तरह से हम इसके एरर को मेंशन करेंगे। बेटा इसका तरीका ये होता है कि आप एरर लाइन नंबर बता दें और साथ साथ एरर भी बता दें। जैसे यहां पर मैं बताऊंगा इन्हें लाइन नंबर फोर, सही है, ये भी चल जाएगा काम, क्या आप लाइन नंबर फोर लिख दो और साथ साथ इसकी करेक्शन लिख दो कि नंबर क्या होना चाहिए भाई। फराज बेटा ये स्क्रीन के ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है आपको, मैं लिख रहा हूं, ठीक है बेटा ये आ जाएगा। और बेटा एरर टू के अंदर क्या आएगा हमारे पास, लाइन नंबर 10 लाइन नंबर 10, और उसके बाद कंडीशन क्या आएगी। एग्जिट इज इक्वल टू जीरो। अच्छा देखो बेटा एरर डिटेक्शन कभी आसान आती है कभी मुश्किल आती है, इसका कोई डिफाइन नहीं, सही है। तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपको चीजें समझ में अच्छी आती हैं, आप लॉजिकली चीजों को पढ़ के करोगे तो हो जाएगा आपसे, वरना आपको बेटा परेशानी होती रहती है। तो इसका बेहतर तरीका ये होता है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें जितना ज्यादा पॉसिबल हो। सर कितना मार्क्स आता है, सर बेटा 4 मार्क्स आ रहा है ना, और उसके बाद बेटा आप यहाँ क्या लिख देंगे, एंड वाई लिख देंगे, और फिर बेटा लाइन नंबर 4 में क्या आएगा, ओ सॉरी आखिर ये उसमें क्या आएगा, लाइन 14, और इसकी करेक्शन क्या होगी, जीरो 0 क्यों होगी बेटा। आउटपुट इज इक्वल टू टोटल नंबर टोटल वैल्यू ऑफ योर नंबर इज, उसके बाद बेटा क्या लिख देंगे यहाँ पे आप, टोटल लिखेंगे, सही है बेटा। सो दैट्स हाउ जो है वो आप सर ये एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन भी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब सर इसमें एल्गोरिथम को रीडेंट करना हो सी ये चीज इन्होंने क्या बोला नीचे, इन्होंने कहा कि डिस्क्राइब हाउ यू कुड चेंज द करेक्ट एल्गोरिथम टू रिकॉर्ड एन आउटपुट हाउ मेनी पॉजिटिव नंबर्स हैड बीन इंक्लूडेड इन द फाइनल टोटल। यू डू नॉट नीड टू रीराइट द एल्गोरिथम। तो अब इन्होंने जो है वो एल्गोरिथम लिखने से मना कर दिया है, यानी सूडो कोड में हमें आंसर नहीं करना। सो कह रहे डिस्क्राइब हाउ यू कुड चेंज द करेक्टेड एल्गोरिथम टू रिकॉर्ड एन आउटपुट हाउ मेनी पॉजिटिव नंबर्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द फाइनल टोटल, सर सही है ये डिस्क्राइब करना है, ठीक है, एंड यू डू नॉट नीड टू री राइट द एल्गोरिथम, रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने का बेटा मतलब क्या है यहाँ पर, यानी इन्होंने क्या बात बोली है कि
एक वेरिएबल ऐड होगा ना यहाँ पर कि कितने पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो इस कोड के अंदर बेटा क्या करना पड़ेगा हमें, चले मैं आप इसी कोड को आपको समझाता हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। चले करेक्शन तो आपने लिख दी ना, करेक्शन को मिटाएंगे नहीं, करेक्शन को हम मिटा नहीं रहे यहाँ पे। बस यहाँ पर इन्होंने क्या बात बोली है, हमें पॉजिटिव नंबर्स जो है वो काउंट करने। तो बेटा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर काउंटर को डिक्लेयर करना पड़ेगा। सही है, जो काउंटर आप डिक्लेयर करोगे उसकी डेटा टाइप क्या होगी? सही है, डिक्लेयर काउंट वेरिएबल विद अ डेटा टाइप इंटीजर। सही है जी, अब ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में भी आ जाए, फिर मैं आपको इंग्लिश में लिख के भी दिखा दूंगा। काउंट को बेटा आप क्या करेंगे यहाँ पर, सही है जी, और इनिशियलाइज करेंगे, दो चीजें आएंगी ना। उसके बाद इफ की कंडीशन के अंदर यहाँ पर टोटल के ही नीचे आप क्या करेंगे, काउंट इफ नहीं, इफ तो लगा हुआ ना ऑलरेडी, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन कर देंगे। हाँ सर शुरू में जो हमेशा डाउन रहता है डीएल नंबर वो इक्वल टू 0 होता है, जी, और फिर बाद में हम लोग उसको 1 से करते हैं। वन से अपडेट करते हैं। और उसके बाद बेटा फिर हम यहाँ पर क्या करना है, आउटपुट पे भी काउंट आउटपुट पे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर काउंट आ जाएगा। तो बेटा देखो मैंने जो कलर चेंज करके लिखा है इसीलिए ताकि आपको समझा सकूं, 4 लाइंस रिक्वायर्ड है, 1, 2, 3 और 4। सही है सर, अब इसको आपने सिर्फ क्या करना है, इसको इंग्लिश की फॉर्म में ही लिखना है। तो आप इसके अंदर लिखेंगे बेटा इनिशियलाइज डिक्लेयर, तेरे पोस्ट में भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो बोल रहा है आउटपुट हाउ मेनी पॉजिटिव नंबर्स, तो हाँ पोस्ट में भी डाल सकते हैं हम लोग। हाँ वो वेरिएबल तो आप कोई भी नाम रख लें, वेरिएबल के नाम का मसला नहीं है, पोस्ट काउंट बना दें आप उसे। ठीक है, ठीक है, आप लिखेंगे यहाँ पर इनिशियलाइज काउंटर, या चले मैं पोस्ट काउंट ले लेता हूँ, इनिशियलाइज पोस्ट काउंट वेरिएबल। हमें क्या करना है बेटा, इनिशियलाइज करना है पोस्ट काउंट वेरिएबल एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम के बेटा स्टार्ट में हम क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक है, और आप यहां लिख भी दें पोस्ट काउंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर उसके बाद आप लिखेंगे कि पोस्ट काउंट वेरिएबल इज अपडेटेड, पोस्ट काउंट वेरिएबल इज अपडेटेड बिटवीन लाइन, बताना पड़ेगा ना भाई कहाँ पे आप अपडेट करेंगे, बिटवीन लाइन नंबर 5 to 7, 5 और 7 के दरमियान में आपने कहीं ऐड करना। सही है, इज अपडेटेड बाय 1 बिटवीन लाइन 5 to लाइन 7। सही है भाई, एंड वाला है देंगे दैट आउटपुट पोस्ट हम आउटपुट पोस्ट काउंट वेरिएबल आफ्टर द लूप, आउटपुट पोस्ट काउंट वेरिएबल आफ्टर द एंड ऑफ द लूप। सही है बेटा, तो 4 मार्क्स के लिए एटलीस्ट 4 पॉइंट हमारे पास होने चाहिए। सही है, ताकि आपके पास कंप्लीट जो है ना बेटा प्रॉपर आंसर आपको लिखना हो। अब देखें जहां तक हमने जो करा है, ये हमने 5 क्वेश्चन बेटा अटेम्प्ट कर लिए। सही है, अब हमने कल की क्लास में ना हमने यहाँ से 6 से बात को शुरू करना है, और उसके बाद ये मैं फ्लो चार्ट की ट्रेसिंग भी आपको करा दूंगा इंशाल्लाह।
ठीक है, और उसके बाद बेटा लॉजिक गेट से हाँ बिल्कुल लॉजिक गेट का सवाल भी सिर्फ एक होगा। जी सवाल है तो जी बोलो बेटा। फिर खत्म। सॉफ्टवेयर चैप्टर बेटा वो मैंने अभी रोका है, उसमें बस लास्ट कुछ चीजें रहती हैं, तो मैं एक एक्स्ट्रा क्लास ला के करूंगा, क्योंकि मैं चाह रहा था कि ईयरली स्टार्ट कर दूं आप लोगों का पेपर 2, जिसमें ज्यादा मसले मसाइल हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं, ईएडी बस का स्टार्ट हुआ, आज स्टार्ट हुआ है। आज स्टार्ट किया है, पहली क्लास है आज। ओके रिकॉर्डेड तो है ना, क्योंकि मैं आया नहीं था, अभी आया हूँ। वो मसला नहीं है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी राइट आफ्टर दी ओके क्लास, चलो, इंशाल्लाह ये मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर। ओके और फिर चलो, जो बाद सेन वाले बच्चे हमारे हैं स्कूल के, वो बेटा क्या करेंगे, वो जो है ये भी देखते रहेंगे रिकॉर्डिंग, साथ साथ ईयरली मैंने और भी अपलोड किए हुए हैं स्पेसिमेन पेपर 2A, और मैं आपको शो भी कर देता हूँ ताकि कुछ बच्चों को पता नहीं है तो उन्हें पता चल जाए। प्लेलिस्ट में जाएंगे बेटा आप, प्लेलिस्ट में जैसे ही आप जाएंगे सर, तो यहाँ पे आपको इंडिया फोल्डर है पेपर एयरली अपलोडेड है पहले से, टू पेपर उनके दोनों में। ये रहा एयरली पेपर 1 का नहीं है, पेपर 2 का है, लेकिन ये देखेंगे स्पेसिमेन पेपर 2A ये भी अपलोडेड है बेटा, और स्पेसिमेन पेपर 2 भी ये भी अपलोडेड है। सही है, ये दोनों ही जो है मैंने अपलोड कर दिए हैं ताकि आपको मॉक्स में जो है वो मसला ना हो। सही है, एवरीवन जितने भी हमारे स्कूल वाले बच्चे हैं जो जिनको थोड़ा सा परेशानी हो रही थी क्लास में भी, लेकिन ये कि मैं खुद से भी करवा रहा हूँ और साथ साथ ये कि आप अपने तौर पे भी करते रहोगे, ताकि ये कि हमारी ये सारी चीजें कवर हो जाएं। और चमेस को तो मैं रिकॉर्डिंग को रोक रहा हूँ। ये